नहीं यार, उन्होंने कलर लगाया था जो कि मैं पोच चुकी हूँ, बिकॉज़ इन्फेक्शन हो जाता है तुरंत, तो इस वजह से। और होली मिलन समारोह रितेश जी लास्ट ईयर भी करे थे और आज सेकेंड ईयर है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, ताकि सारे इंडस्ट्री वाले एक होते हैं, एकजुट होते हैं और होली खेलते हैं। सो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। काजल जी बचपन में होली कैसे खेलते थे? बचपन में तो बहुत होली खेलते थे क्योंकि बच्चे थे और कलर्स भी अच्छे आते थे, लेकिन अभी सारे केमिकल्स के कलर्स होते हैं, सो केमिकल होता है पूरा, तो इस वजह से। और अभी एक्टर बन चुकी हूँ तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, तो फिर बचपन में मस्ती तो होती थी, ऊपर टेरेस पे जाते थे हम लोग और नीचे रास्ते पे लोग चलते थे, तो उनको जो फुके होते थे पानी भर के, कलर भर के डालते थे, वो सब फेंकते थे और ऐसे ही खेले हैं। अभी कोरोना वायरस जिसके पीएम ने बोला है कि होली पे कम गले मिलिए, कम यूज कीजिए रंग, इस बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, थोड़ा उससे बचें, सफाई रखें। अरे यार, कोरोना वायरस देशवासियों को होली बहुत बहुत बधाई। सब लोगों को, सारे हमारे फैंस को और पूरे इंडस्ट्री की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अच्छे से होली खेलिए, पानी ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा, और जिसे कलर्स ना पसंद हो उसको कलर्स मत लगाइएगा। गले मिलिए, अच्छे से मिठाई बांटिए और होली खेलिए, होली माँ की पूजा करिए और सबके साथ, फैमिली के साथ होली मनाए। थैंक यू। हजार गारी रे हजार गारी, हजार गारी रे हजार गारी, रंग डलब दे हब, हजार गारी रंग डलब दे हब, हजार गारी रंग डलब दे हब, हजार गारी रे हजार गारी, हजार गारी रे हजार गारी, हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी। हैप्पी होली आप सभी को, हैप्पी। से पहले तो हाँ, नहीं कोई भी समारोह होता ही इसलिए है कि वहाँ सब लोग एकत्रित हों, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों, त्यौहार में एकत्रित हो जाएं, एक साथ मिलें। तो मुझे लगता है कि इसलिए ही ये उत्सव मन रहा है और हम सब भाई एकत्रित होकर के यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में ही शूटिंग कर रहा हूँ, जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब भाई बुलाए, मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे, दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तान। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल हो सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो, तो मैं बोला फिर आप इनकी पूरा परिवार है, भोजपुरी का और भी है, दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर हाँ, और मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में दो तीन दुल्हन होती ही है। अभी तक 60-70 हो गया है और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी जी, पवन भैया हमको एक बार बताए थे कि मैं पूछा इनसे कि आपको बोलते हैं भोजपुरिया राजा, तो ये किंग बनने का आपके ख्याल कहाँ से आया? आप देख रहे हैं अपना समाचार। हजार गारी रे हजार गारी, हजार गारी रे हजार गारी, रंग डलब दे हब, हजार गारी रंग डलब दे हब, हजार गारी रंग डलब दे हब, हजार गारी रे हजार गारी,
हजार गारी रे हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी। हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी से पहले तो हाँ नहीं, कोई भी समारोह होता है इसलिए है कि वहाँ सब लोग एकत्रित हों। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों त्यौहार में एकत्रित हो जाए, एक